अब आगे आएगा जबल रहमत, जा रहे हैं वापस आप गार हिरा, गार हिरा वाली ज्यारत आएगी वो अभी दूर है, तो हम कुछ सामान लेके आते हैं जब ज्यारत पे आते हैं। भाई जरा खामोशी बना के रहे, जब ज्यारत पे आते हैं तो कुछ चीजें लेके आते हैं वो जरा आपको बता देते हैं, उनके फायदे भी कीमत भी फिलहाल जिस चीज को पसंद करे वो ले सकते हैं। ये खुशबू है मक्का में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, बहुत अच्छी खुशबू है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तीन चार अलग अलग वैरायटियां, यानी कीमत एक ही है। अब्दुल्ला बिन सुरखान जैदुल खैर मताबिह अस्सआदा इमाम गालिल हाफिजात जी 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 इस कार्ड के बैग नाम
ये है जैतून जिसके बारे में कुरान पाक में आता है वो तीन नंबर जैतून अल्लाह पाक फरमा रहा है जैतून में शिफा है। कुरान में आता है अल्लाह फरमा रहा है शिफा है, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमा रहा है वो शिफा है। जिस्म के अंदर जिस किस्म की तकलीफ हो, खुश्की हो, इसको आप नीम गरम दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बात सुनो बात सुनो, और सालन के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे इसकी मालिश कर सकते हैं। इसको आप रात को चेहरे को अच्छी तरह धो के साफ करके इसके चेहरे के ऊपर लगाएं, मसाज करें आराम आराम से, 8 से 10 दिन करें ना, मेरे ख्याल ये क्रीम श्रीम की हमारी बहनों को जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। ये छोटी सी चीज नशे आ गई, बड़ी बदल गया, बड़ी मेरे पास एक ही है, छोटी है यार, मतलब 5-4 पर ये चीजें थी मेरे पास। हाँ एक चीज और है, रोहा ने मिले साथ, वो छोटी सी शीशी होती है, वो कुदरती तौर पे यहाँ सऊदी अरब से छोटे छोटे पौधे हैं बदर के इलाके में या जम्मू के इलाके में, उन पौधों के अंदर से उन पौधों के साथ एक कोई यानी कटोरा वगैरह बांध दिया जाता है या शापर बांध दिया जाता है, वो कतरा कतरा अंदर से निकलता रहता है, उसको जमा करके वो शीशे के अंदर पैक करते हैं, सिर्फ सऊदी अरब से निकलता है, सऊदी अरब से पूरी दुनिया में पैक होके जाता है। ठीक है, उसके खवास उसके फायदे ये हैं, जिसम के अंदर दर्द है जिस किस्म का, ठीक है, जिसम कमजोर हो चुका है या जिनकी औलाद के मसाइल पैदा होते हैं, औलाद नहीं होती और उनकी जर्सी में कमी होती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद अल्लाह पाक उसके अंदर ताकत हुआ रखी है। ठीक है, ऐसा 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 ये आपके सामने कपड़े साल गुजर आए, वैसे इसको कहते हैं मकबरा हैदर, आगे नजर आएगा, ये देखे ये कपड़े हैं, इसको कहते हैं मकबरा हैदर। सैयदना उमर फरीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में यहाँ कसास होता था, कसास यानी कातिल का सर कलम किया जाता, जो डाकू के हाथ पांव काटे जाते हैं, इसलिए लोग भी इससे महफूज हो जाए, उनका माल महफूज हो जाए, कुरान में आता है खून का बदला खून। तो अब ये शहर बढ़ चुका है, उस वक्त शहर से ये बैर था ये इलाका, तो यहाँ होता था, जैसे शहर बढ़ गया आगे फिर यहाँ से उसका बंद कर दिया जद्दा रोड पे, और एक मखसूस प्लाट बनाया गया, वहाँ आस पास की मसाजिद में इदार होता है, आज कसास होगा और आज जो डाकू को सजा दी जाएगी, वहाँ की आवाम जमा होती है, एक खातिब साहब जाते हैं वहाँ बयान करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको सजा दी जाती है। इसलिए यहाँ जुर्म कम है, लोगों को खौफ है, पाकिस्तान में जुर्म क्यों कम है, वहाँ दो तरह का इंसाफ है, गरीब के लिए सब सारे कानून लागू है, अमीर के लिए बड़े सियासदान के लिए कोई कानून नहीं, वो पैसा अदालत सब कुछ उसे कंट्रोल करता है।